नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और टी बिजनेस के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज एक नई खुशखबरी लेकर मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं दोस्तों, और एक खुशखबरी आ रही है राजस्थान झुंझुनू से। जी हां दोस्तों, राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू, जहां से मिस्टर अशोक कुमार जी और मिस्टर प्रमोद कुमार जी, जिनकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने जो है जरकंटी परिवार का जो है डिस्ट्रीब्यूटर बुक किया। तो जरकंटी कंपनी में शामिल होने के लिए इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, और दिन दुगनी रात चौगनी ये उन्नति करे, यही हमारी कामनाएं हैं। और यही अच्छी खुशखबरी है झुंझुनू वासियों के लिए, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने हमारे ट्रेडर्स हैं, या जितने ब्रांड्स अपना अपना ब्रांड बनाने वाले हैं, कि उनको जो है सिलीगुड़ी और आसाम के रेट पर एक अच्छी चाय उचित दामों पर उनके होम टेरिटरी में मिलने वाली है दोस्तों, कुछ ही समय में। क्योंकि अभी इन्होंने बुक किया है, तो कुछ समय के बाद वहाँ पर जो है माल भी अवेलेबल रहेगा, तो वो वहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। और इसी के साथ में मैं बधाई देना चाहूँगा जो हमारे राजस्थान के सीएनडीएफ हैं, उनको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी टीम में होनहार सदस्य शामिल हो गए हैं जो कि झुंझुनू का कार्यभार संभालेंगे। और होनहार सदस्य नहीं कहूँगा, होनहार जवान कहूँगा, क्योंकि दोस्तों मिस्टर अशोक कुमार जी और मिस्टर प्रमोद कुमार जी ये भी सेना में जॉब करते हैं, सेना में अपनी सर्विस देते हैं दोस्तों। और बड़ा गर्व महसूस होता है जब ऐसे लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं, जब सेना के जवान हमारे साथ में जुड़ते हैं, तो बड़ा गर्व महसूस होता है दोस्तों, और दिल से सैल्यूट करने का मन करता है ऐसे इंसान को, क्योंकि ये दोहरा अपना जो उत्तरदायित्व निभा रहे हैं दोस्तों, एक ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हैं, रियल लाइफ के ये हीरो हैं। एक तरफ देश की रक्षा करते हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं, दूसरी तरफ ये देश को समृद्ध करने का काम करते हैं दोस्तों। जब ऐसे लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं या मिलते हैं, तो बहुत खुशी होती है दोस्तों। उससे पहले भी काफ़ी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सेना से हमारे साथ में काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, कुछ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कुछ हमारे ट्रेडर्स हैं, कुछ हमारे साथ में जो है हमारे सब्सक्राइबर हैं, कुछ हमारे जो है एफिलिएट मेंबर्स हैं, तो बड़ी खुशी होती है। और दोस्तों, क्योंकि सेना के अंदर डिसिप्लिन होता है, व्यापार के अंदर भी डिसिप्लिन होता है, ऑनेस्टी होती है, इसी तरीके से सेना में भी जो है ऑनेस्टी और अपने डिसिप्लिन के लिए सुप्रसिद्ध है सेना। इसी प्रकार से जो है जरकंटी कंपनी इस समय में एक बेहतरीन ब्रांड बनता हुआ जा रहा है दोस्तों, इस समय में भारत का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ ग्रोइंग ब्रांड है। अगर आप लोग भी जरकंटी कंपनी में शामिल होना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर, तुरंत फ़ोन लगाएं, पूछें कि क्या आपके डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर खाली है, या आपके स्टेट का, अगर आप बड़े लेवल पर काम करना चाहते हैं, तो क्या आपके स्टेट का सीएनडीएफ खाली है, तो तुरंत बुक कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये मौका हाथ से ना जाने पाए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है दोस्तों, बार बार नोक नहीं करती है। ऐसा ही एक इंटरव्यू चल रहा था बिल गेट्स का, तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि सर आप इतने रईस क्यों हैं, तो बिल गेट्स ने कहा, अपने पास में पड़ी हुई चेकबुक निकालते हुए उसमें से एक चेक देते हुए पत्रकार को कहा कि इसमें जितनी वैल्यू भरनी है भर सकते हो आप। पत्रकार ने कहा, सॉरी सर, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब कुछ और था मैं आपसे। उन्होंने उसी क्वेश्चन को कुछ घुमा कर फिरा कर पूछा, तो बिल गेट्स ने जवाब दिया, अभी आपके पास में मौका था, एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप सबसे रईस पत्रकार बन सकते थे दुनिया में, लेकिन आपने वो अपॉर्चुनिटी गंवा दी, और मैं कभी अपॉर्चुनिटी नहीं गंवाता, यही वजह है कि मैं आज अमीर हूँ। तो दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, आप भी जरकंटी परिवार के साथ शामिल हो सकते हैं और एक स्थायी बिजनेस का सोर्स अपने लिए स्थापित कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा सोर्स जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आपको लाभान्वित करता रहे, एक अच्छी इनकम दे दोस्तों। थोड़ी सी मेहनत और लगन से अगर आप इसको स्थापित कर लें, तो ये दोस्तों ये जो बिजनेस है आपका, ये बिज़नेस आपको पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ देने वाला बिज़नेस है दोस्तों। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन लगाकर पूछ सकते हैं, और देर मत कीजिए, क्योंकि ये शब्द बड़े निराशाजनक होते हैं अपने लाइफ में कि काश मैंने ऐसे कर लिया होता, क्योंकि आपने अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने घर में, अपने रिश्तेदार से, अपने बड़े बूढ़ों से ये बातें बहुत सुनी होंगी कि काश उस समय ये काम कर लिया होता यार, ये उस समय इस प्रकार से हो रहा था। तो आप इस ब्रांड के सिर्फ साक्षी मत बनिए, सहभागी बनिए इस ब्रांड की सफलता में, और साथ दीजिए और अपने आप की सफलता निश्चित कीजिए दोस्तों, और आप भी इस ब्रांड के साथ सक्सेस हो सकते हैं, और अपने लिए एक स्थायी बिजनेस का सोर्स स्थापित कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इसी के साथ में मैं फिर से बधाई देना चाहूँगा हमारे अशोक कुमार जी को, प्रमोद कुमार जी को झुंझुनू का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, और हमारे जो राजस्थान के सीएनडीएफ हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई कि उनकी टीम में होनहार जवान शामिल हो गए हैं। अब तो जवान उनकी संख्या बढ़ती जा रही है दोस्तों, सेना के बहुत से लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और इसमें बड़ा गर्व महसूस होता है, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है जब अच्छे लोग आपके साथ में जुड़ते हैं। और दोस्तों इससे भी बड़ी सफलता ये है दोस्तों, क्योंकि ये रेफरल है, ये जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर किया बाय रेफर किया, मिस्टर मुकेश कुमार जी हैं, मुकेश कुमार जी जाट, जिनका अभी प्रीवियस वीडियो हमने बनाया था, जिन्होंने हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बुक किया था, उन्होंने रेफर किया था कि आप भी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर बुक कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट का।
तो दोस्तों आप जानते हैं रेफरल कब होता है, रेफर कब करता है एक कस्टमर? देखिए जब आपके साथ में कोई आपका कस्टमर बनता है या आपका कोई क्लाइंट बनता है। मैंने कस्टमर और क्लाइंट में भी अंतर बताया था, आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा कि कस्टमर और क्लाइंट में क्या अंतर होता है। दोस्तों कस्टमर वो व्यक्ति होता है जो कोई आपसे एक बार कोई सामान ले या आपसे कोई एक बार प्रोडक्ट ले, वो आपका कस्टमर होता है। लेकिन क्लाइंट वो व्यक्ति होता है जो बार बार आपसे डील करे, वो आपका क्लाइंट होता है। और क्लाइंट जब आपको रेफर करता है, समझिए दोस्तों जब आपका कोई प्रोडक्ट आपसे लेता है या कोई सर्विस आपसे लेता है और वो अगर उससे सेटिस्फाई है तो सेटिस्फाई कस्टमर कहा जाता है, सेटिस्फाई क्लाइंट कहा जाता है। अगर वो आपकी सर्विस और आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो डिससेटिस्फाई कस्टमर कहा जाता है। लेकिन अगर वो आपकी सर्विस से बहुत इंतहा खुश है, जब वो डिलाइट फील करता है तब वो रेफर करता है, वो किसी और को रेफर करता है कि आप भी ये काम कर सकते हैं क्योंकि मैंने किया, ये काम बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, ये बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये रेफरल जो जब होता है तब कस्टमर डिलाइट फील करता है, और डिलाइट फील कर रहा है इसका मतलब कंपनी की सर्विस बहुत अच्छी है, कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कंपनी की पॉलिसी बहुत अच्छी है कि वो यहाँ पे आके डिलाइट फील कर रहे हैं। तो दोस्तों आप भी डिलाइट फील कर सकते हैं और साथ में शामिल हो सकते हैं जरकंटी कंपनी में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से आ जाऊंगा एक नई अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।